हरी इसमें गुड़ाई करनी है ताकि उसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल दें। और ये डीएपी है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे मोगरा प्लांट के ऊपर। तीन प्लांट है फ्लावर्स वाले, मोगरा, जूही और बेला, इस पर बात करने वाले हैं। अभी के इस टाइम में दोस्तों किसी भी नर्सरी में आप चले जाइए, मोगरा पर फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। रीज़न क्या है, नर्सरी वाले इस टाइम कुछ खास मोगरा के प्लांट पर, बेला और जूही के प्लांट पर कुछ खास तरह के काम किए जाते हैं, जैसे उसकी प्रूनिंग, खाद वगैरह। तो इसी पर मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ मोगरा प्लांट के ऊपर, जूही के और बेला पे। आप मेरे सामने देख रहे दोस्तों, जूही का प्लांट है ये, दिसंबर के महीने में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये मोगरा का प्लांट है, इस पर अभी मोगरा प्लांट एक ये है लाल मिट्टी में पूने वाला प्लांट है। इसके अलावा आपके पीछे रखे हैं, इसके अलावा उस क्यारी में लगे हुए हैं, लेकिन फ्लावर अभी कहीं नहीं आएंगे। अगर आपके पास ये वाले पौधे हैं मोगरा, बेला, जूही, तो आप दिसंबर के महीने में ये काम ज़रूर कर लें, अगर आप फरवरी महीने में भरपूर फ्लावर चाहिए तो। तो चलिए कौन से काम करने हैं, कैसे करने हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास मोगरा का प्लांट है, बेला का प्लांट है या जूही का, तो आपको ये काम जरूर कर लेना है, वो भी खासकर जनवरी के महीने में, क्योंकि आने वाले जनवरी के एंड में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स चाहिए, गमला बढ़ जाए ऐसे इस तरह के, तो हम जो नर्सरी पर काम कर रहे हैं वो आपको कर लेना चाहिए। तो पहला काम है दोस्तों प्रूनिंग, आप देख सकते हो। वैसे तो हमने सारी प्रूनिंग कल कर दी थी, इसमें वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों, लेकिन इस तरह से आपको एक हाइट के काट लेने जो नर्सरी पर हम कर रहे हैं, कुछ बड़े रह गए थे तो उसमें से हम काट दे रहे हैं। इसमें से पहले इधर लगे थे, इसके फिर निकाल के हमने साइड देख सकते हो आप एक तरीके से लगा दिया, सबके हमने प्रूनिंग कर दिए। तो देख सकते हो तो कुछ हाइट में बड़े, एक साइज की इसमें कटिंग कर देनी है दोस्तों, प्रूनिंग कर देनी है। चलिए दोस्तों, वो तो रही क्यारी में जो लगे थे प्लांट उनके बारे में, अब बात करते हैं जो गमले में हमारे लगे हों उसको प्रूनिंग कैसे करते हैं और कौन कौन सी खाद देनी होती है। तो सबसे पहले प्रूनिंग का नंबर आता है दोस्तों, अगर आपके पास पुराने गमले पड़े हो या फिर नर्सरी से नए गमले लिए हों उनको सही तरीके से लगा देना, और प्रूनिंग करनी है आपको बराबर मात्रा में, ना छोटी रखनी है ना ज़्यादा बड़ी रखनी है। हार्ड प्रूनिंग जिसे कहते हैं वो आप कर सकते हो दोस्तों। अगर आप दोस्तों नया गमला लाना चाहते हैं, पौधा लाना चाहते हैं मोगरा बेला का, तो आप दिसंबर में या जनवरी महीने में ज़रूर लाइए। ध्यान रखें प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, प्रूनिंग से क्या नई ब्रांच आएंगे और फूल उन पर अधिक आते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो हम कटिंग कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं, वो हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, देख सकते हो पूरी हमने कटिंग कर दी है। और दोस्तों इसमें खाद जो डालना है ना, वो हम जो यूज़ करते हैं वो है डीएपी, मस्टर्ड केक, और इसमें जो मस्टर्ड केक हिंदी में कहते हैं सरसों की खली, और इसमें डीएपी के दाने, या फिर इसमें आप गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। तीन चीज़ों का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहता है ज़्यादा फूल पाने के लिए। आप देखते रहिए वीडियो को, किस तरह हम खाद डालेंगे और कैसे यूज करते हैं। पहला काम है दोस्तों आपको प्रूनिंग करनी है, यानी कि बराबर मात्रा में से काट लेना है। और दूसरा काम करना है आपको इसके नीचे, दूसरा काम करना है आपको गुड़ाई करना दोस्तों, जो भी खरपतवार निकल रही है इसमें जंगली घास फूस, उसे खुरपी की मदद से या बुतुली चीज से गुड़ाई करके अच्छी तरीके से निकाल देना। इस तरह से इसकी मिट्टी निकालनी है दोस्तों आपको, इस तरह थोड़ी सी, और एक और बार दोबारा गुड़ाई करेंगे गहरी। और खासकर आपको जनवरी के महीने में ये जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि अगर फूल चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इस टाइम किसी भी नर्सरी में आप चले जाइए ये काम जरूर मिल जाएंगे आपको देखने को। दूसरे गमले में भी ऐसे करेंगे, दूसरा काम जो है दोस्तों वो आपको गहरी इसमें गुड़ाई करनी है ताकि उसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल दें। और ये डीएपी है दोस्तों, डाई अमोनियम फास्फेट, इसके कुछ दाने आपको 10 से 12 दाने इसमें डाल देने साइड में, इस तरीके से दूसरे गमले में भी डाल देंगे। दूसरा इसके ऊपर हम डालेंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद है आपके पास वो डाल सकते हैं, आप देख सकते हैं कितनी पकी हुई है, खाली एकदम।
उसमें भर देंगे। कंजूसी नहीं करनी, बिल्कुल भरनी है आपको अच्छी तरीके से, जितना आप दो पोषण तत्व दोगे उतना ही फूल ज़्यादा आएंगे इसके। इसके बाद आपको जो मिट्टी निकली थी इसके ऊपर डाल देंगे दोस्तों। 15 दिन के बाद दोस्तों आपको सरसों की खली का पाउडर जरूर देना है दोस्तों, ध्यान रखें, उससे बहुत फ़ायदा होता है। हम एक साथ नहीं डालते क्योंकि अगर हो सकता है कि गलती हो जाए, ज़्यादा डल जाए तो पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से डालने के बाद इसमें हम पानी लगा देंगे दोस्तों। एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें जो DAP थी ज़्यादा दाने डाले, ये हमारा 4 इंची का गमला है तो 10 से 12 दाने डाले। उसके बाद पानी डालने के बाद ऐसी जगह रखना है जहाँ सनलाइट प्रॉपर मात्रा में आती हो। सनलाइट का प्लांट है ये, जितनी सनलाइट मिलेगी उतना अच्छा है, खरपतवार ना बनने दे। अब दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको सरसों की खली लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हो, पाउडर फॉर्म में भी, और DAP के दाने फिर से यूज करने हैं 5 से 8 दाने, और बोन मील दे सकते हो इसके अलावा। और दोस्तों इस तरह से तैयार करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट दिखाएंगे। इसके अलावा क्यारी में क्या करना है वो देखते हैं। तो दूसरा काम होता है दोस्तों, पहला काम जैसे प्रूनिंग करना, दूसरा काम है इसमें गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हो। चलो वीरेंद्र डाल दो, और कम से कम आप क्यारी देख सकते हो, वहाँ से यहाँ तक ये हमारे पौधे लगे, और 4 तसले ऐसे गोबर खाद के दिए जाएंगे। तो ये काम आपको जनवरी फरवरी के मंथ में ज़रूर कर लेना, जनवरी के एंड तक, ताकि आपको ज़्यादा फ्लावर चाहिए तो उसके लिए गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट के अलावा दोस्तों हम इसमें DAP के कुछ दाने डाल देंगे। बोन मील हुआ या सरसों की खली नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट बढ़ती है दोस्तों। एक क्यारी में 5 से 8 तसले गोबर खाद, बोन मील 2 या 3 तसले लग जाएंगे, DAP के कुछ ग्राम DAP लग जाएगी, इससे क्या है कॉस्ट बढ़ती है दोस्तों। मान लीजिए बगल वाली नर्सरी वाले 20 रुपये में अगर मोगरा प्लांट सेल कर रहे हैं तो हम इसकी कॉस्ट बढ़ा के 25 करते हैं तो कोई भी माली या कस्टमर नहीं लेगा। इसलिए नर्सरी वाले अधिकांश क्या है ना, बर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं बस, सरसों की खली या DAP के दाने नहीं डालते। हम DAP के दाने डालेंगे लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है, ध्यान रखें इस बार। इसलिए आप जब भी नर्सरी से पौधा कोई लाते हो तो घर पे अपने DAP, सरसों की खली, मस्टर्ड केक, इनका इस्तेमाल ज़रूर किया करें। सर्दियों के समय में अधिकांश क्योंकि ज़्यादा गर्म होते हैं और पौधे की मात्रा इसमें जल्दी आती है ये चीज़ डालने से। और इसके अलावा दोस्तों आप सर्दियों के समय में गुलाब के पौधे पे बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ये हमारे गुलाब के पौधे हैं पूनी वाले, इसमें भी हम गोबर खाद बर्मी कंपोस्ट का यूज करते हैं, और इसके अलावा हम DAP के दाने भी ऊपर से डलवा देते हैं ताकि फूल की संख्या ज़्यादा हो और फूल आए। तो दोस्तों इसकी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें क्योंकि उसमें फुल कंप्लीट मोगरा, बेला और जूई के, और इसके अलावा स्टार जैस्मिन के प्लांट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हमारा पौधा तैयार हुआ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए।